क्यों दुबई में ये मूवी रिलीज करने से पहले इस 3 घंटे की मूवी को 2 घंटे का करना पड़ गया? क्यों मार्वल को चाइना के एक शर्त के चलते अपने मूवी की पूरी स्टोरी लाइन उलट पुलट करनी पड़ गई? और अगर बस ये एक मूवी फ्लॉप हो जाती तो आज आप ये जो मार्वल देखते हो वो कभी बनता ही नहीं। भाई वीडियो स्किप करने का सोचना भी मत, बहुत मजा आने वाला है। नंबर 1, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। ये फिल्म बनी है एक स्टॉक ब्रोकर के ऊपर जो क्रिमिनल बन गया था और उसका नाम जॉर्डन बेलफोर्ट था। इंटरनेशनल मार्केट में ये फिल्म ज्यादा लक्की नहीं रही क्योंकि इस मूवी में ज्यादा नशे का यूज और बहुत सारे गंदे सीन दिखाए गए हैं। मूवी में ऐसे सीन इतने ज्यादा हैं कि मलेशिया और नेपाल ने तो साफ मना कर दिया इस मूवी को चलाने से। दूसरी कंट्रीज जैसे इंडिया और सिंगापुर में कुछ बहुत ज्यादा वल्गर सीन थे, उन्हें हटाया गया। लेकिन दुबई और यूएई में लोगों का इसका कुछ अलग ही वर्जन देखने को मिला। जहां ये पूरी मूवी 3 घंटे की थी, दुबई में इसे 2 घंटे 15 मिनट कर दिया गया। इसका मतलब पूरे 45 मिनट की मूवी गायब कर दी गई। उसे आपको भी इस मूवी का 45 मिनट का वर्जन देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भाई वीडियो में मजा आ रहा है तो 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब मार दो, आगे भी ऐसा ही मजा आते रहेगा। नंबर 2, लिंकन। 2012 में आई अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की बायोपिक मूवी है। लेकिन इस मूवी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग से ऐड की गई थी जिससे जो ऑडियंस अमेरिकन कल्चर से वाकिफ भी नहीं थी उन्हें भी ये मूवी समझ आ जाए। कई देशों के लिए इसमें एक्स्ट्रा सीन भी डाले गए थे जिसमें एक्सप्लेन किया जा रहा था कि फिल्म किसके बारे में है और लोगों की सिचुएशन उस टाइम पर क्या थी। नंबर 3, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर। मार्वल की मूवीज वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर है। इस विंटर सोल्जर में मार्वल वालों ने इतनी डिटेलिंग से चीजें चेंज की है जिसे जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका कई साल बर्फ में जमा रहा था और उससे बहुत सारी चीजें मिस हो गई थी, इसलिए वो अपने साथ एक डायरी रखता है जिसमें काफी चीजें लिखी रहती हैं। लेकिन इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए जगह के हिसाब से उस लिस्ट में चेंज किए गए थे। जैसे ओरिजिनल लिस्ट में स्टीव जॉब्स और बर्लिन वाले का नाम था, लेकिन अमेरिकन लोगों के लिए आई लव लूसी ऐड किया गया। रशियंस के लिए यूरी गागरिन नाम लिखा था। जैसे कि आप जानते हो स्पेस में जाने वाले ये पहले इंसान था। नंबर 4, डाई हार्ड। जब नॉवेल से मूवी बनाने की बारी आती है तो बहुत सारी चीजों को चेंज करना पड़ता है। जब डायरेक्टर ने स्क्रीन आर्टिस्ट के साथ काम करना शुरू किया तो उन्होंने काफी सारी चीजों को चेंज करने का डिसीजन लिया। जैसे कैरेक्टर्स का नाम और रिलेशन को जर्मन में चेंज कर दिया गया। यहाँ तक कि उन्होंने इसके टाइटल को नथिंग लास्ट फॉरएवर से डाई हार्ड कर दिया, जो लोगों के दिमाग में आसानी से रह सके। नंबर 5, स्टार वॉर्स। स्टार्टिंग में हॉलीवुड की फेमस मूवीज चाइना में उतनी ज्यादा रिलीज नहीं हुआ करती थी। पास्ट में जब स्टार वॉर्स की मूवी को रिलीज किया जा रहा था तो वो सारी मूवीज चाइना को देखने नहीं मिली, जिसकी वजह से स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज को चाइना में इतना कोई जानता नहीं था। 2016 के स्टार्ट में जब चाइना में स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन रिलीज हुई तो उसने वहाँ बहुत अच्छी कमाई करी। इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ाने के लिए मेकर्स ने अगले साल राउग वन ए स्टार वॉर्स मूवी के नाम की मूवी में चाइना के 2 सबसे बड़े स्टार डोनी यांग और जैंग वैंग को लेने का सोचा। डोनी यांग ने स्टार्टिंग में अपने रोल को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसके हिसाब से उन्हें सिर्फ मार्केटिंग के लिए मूवी में लिया जा रहा था, जो शुरू में सही था। लेकिन फिर इनके रोल को काफी मेजर कर दिया गया और उन्हें परमिशन दी कि वो अपने फाइट सीन खुद कोरियोग्राफ कर सकते हैं। डिज्नी की ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम कर गई और चाइना में भी इस फ्रेंचाइज की काफी ज्यादा पॉपुलेशन फैन हो गई। नंबर 6, आयरन मैन 3। आयरन मैन के बिना कोई मार्वल को इमेजिन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मार्वल ये खुद मानता है कि 2008 में आई पहली आयरन मैन अगर नहीं चलती तो वो आगे कभी मार्वल को बढ़ाते ही नहीं। इसका फ्यूचर कुछ अलग ही होता और हमें एंड गेम जैसी मूवी कभी देखने को मिलते नहीं। आयरन मैन 3 एक और एक ऐसी मूवी है जिसे चाइनीज ऑडियंस के लिए चेंज किया गया। वैसे इस लिस्ट में कुछ ऐसी मूवीज होने वाली है जिन्हें चाइना के लिए चेंज किया गया, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मार्केट है मूवीज के लिए, तो कोई प्रॉफिट से पंगा क्यों लेना चाहेगा। लेकिन आयरन मैन 3 में चाइना के लिए कुछ ज्यादा ही चेंजेस किए गए। सबसे पहले इसमें जो मैंडरिन नाम की चाइनीज विलन है वो बहुत ही रेसिस्ट, खतरनाक और बुरा है। उसे चेंज करके ऐसा दिखाया गया है कि वो रियल विलन है ही नहीं, उसे बस मूवी में एक एक्टर प्ले कर रहा है मेन विलन से ध्यान हटाने के लिए। इसका चेंज का रीजन फिर भी समझ आता है क्योंकि चाइनीज विलन को रखते तो बदनामी होती है। लेकिन ये नेक्स्ट चेंज बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि ये नेक्स्ट चेंज बहुत ही ज्यादा शर्मनाक था, क्योंकि मूवी में फालतू के सीन ऐड किए गए जिनमें प्रोडक्ट के ऐड दिखाए जा रहे थे और डॉक्टर वू नाम के कैरेक्टर को भी बिना वजह ऐड किया गया जो टोनी स्टार्क पर ऑपरेशन करता है। हालांकि ये बात चाइना के लोगों को समझ आ गई थी और वहाँ के ऑडियंस से इसे कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं। नंबर 7, डॉक्टर स्ट्रेंज में एक बहुत बड़े कैरेक्टर को चेंज करना पड़ा जिसके बिना आप मूवी को इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मार्वल वाले अपने चाइनीज ऑडियंस को नाराज नहीं करना चाहते थे। एंशिएंट वन नाम के कैरेक्टर को आप जानते ही होंगे, लेकिन ये कॉमिक में ये एक टिबेटियन मॉन्क है जो मेल है, जिसे बदल कर गंजी औरत बना दिया गया है जो ब्रिटिश है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट टिबेट को इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानती, इसलिए अगर वो अपने कैरेक्टर को एक टिबेटियन मॉन्क दिखा देते तो शायद पूरी चाइनीज ऑडियंस से इस
इस मूवी को हाथ धोना पड़ता। वैसे ये करना मार्वल के लिए बहुत अच्छा डिसीजन हुआ क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज हिट है जिसने चाइना में 900 करोड़ रुपए कमाए। नंबर 8 द हंगर गेम्स मॉन्की जाए पार्ट 1। चाइना अपने यहाँ सिर्फ 34 हॉलीवुड मूवीज को रिलीज होने देती है जिसमें 14 3D में होनी चाहिए या फिर IMAX में, क्योंकि चाइनीज ऑडियंस को 3D और IMAX में मूवी देखने में बहुत मजा आता है। हंगर गेम्स मूवी के मेकर्स ने इस बात को समझ लिया और द हंगर गेम्स मॉन्की जाए पार्ट 1 को खास कर चाइना के लिए उनके फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया क्योंकि इस फ्रेंचाइज की पुरानी मूवीज वहाँ पर पूरी तरह से फ्लॉप हुई थी। मेकर्स की ये ट्रिक काम कर गई और मॉकिंगजे पार्ट 1 ने अपने पहले हफ्ते में $31 मिलियन की कमाई की जो पुरानी मूवी के लाइफ टाइम कलेक्शन से भी ज्यादा है। नंबर 9 द एवेंजर्स 2012 में आई थी। द एवेंजर की ये सबसे पहली मूवी थी। ये मूवी बहुत यूनिक थी क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं थी, गड़बड़ थी इसके नाम में। द एवेंजर्स को यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में एवेंजर्स असेंबल कर दिया गया, लेकिन ऐसा क्यों? उसका रीजन ये था कि द एवेंजर्स नाम से काफी पहले ब्रिटिश टीवी सीरीज थी तो लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो कि शायद ये मूवी उसी टीवी शो की मूवी है, इसीलिए इसे द एवेंजर्स असेंबल कर दिया गया। लेकिन इसके केस में मूवी का नाम चेंज करना थोड़ा कम सेंस बनाता है क्योंकि जो ऑडियंस मार्वल की मूवीज देखती है उसने उस टीवी शो का नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि ये टीवी शो 1998 में आता था। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर कैसे इस देश में कदम रखकर लोग टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और जिस सुसु को आप लोग ऐसे ही बहा देते हो उस सुसु को इस कंट्री में गोल्ड जितना कीमती क्यों माना जाता है? भाई ये वीडियो देखो, बहुत ही मजा आने वाला है। और ये वीडियो को ऐसे ही क्यों छोड़ रहे हो भाई? इस वीडियो को लाइक मार के हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ठोक दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।